दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका, 11 नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। ये आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि रोहिणी के वार्ड नंबर 53 से भाजपा के 11 नेता आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि भाजपा में उनकी मेहनत को कभी सराहा नहीं गया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले भाजपा नेताओं में पूर्व वार्ड उपाध्यक्ष पूजा अरोड़ा, महिला मोर्चा की पूर्व उपाध्यक्ष चित्रा लांबा और भावना जैन शामिल हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि रोहिणी क्षेत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये टीम लगातार काम कर रही है और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेंगे राहुल गांधी, 22 नवंबर को गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। वो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में दो चरणों में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार नहीं करने के कारण पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भाजपा की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। जहां 12 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब हिमाचल में चुनाव खत्म होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी गुजरात पर फोकस कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस के प्रमुख पार्टी नेताओं द्वारा चुनावी राज्य में कई प्रचार रैलियां निर्धारित की गई हैं। इसके तहत पार्टी आगामी 15 दिनों में कुल 25 मेगा रैली करेगी, जो 125 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। कांग्रेस की ये रैलियां आक्रामक चुनावी रणनीति के तहत होंगी, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों और ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग के बड़े नेता भी आगामी दिनों में गुजरात में चुनावी रैलियों और चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लग सकता है एक और बड़ा झटका, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद के बाद अब सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमारी पार्टी कहती है कि हमें दिखाओ कि तुम्हारी कौम तुम्हारे साथ है। हम कहते हैं कि हमें आपने कहां का रखा है जो हम दिखा सकें कि हमारी कौम हमारे साथ है। सलमान खुर्शीद शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि अब उनके बगावती तेवरों से लग रहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से की बड़ी अपील, कहा गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का सीधा मुकाबला, इसलिए कांग्रेस पर वोट बर्बाद न करें। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। उन्होंने गुजरात के लोगों से अपील की है कि वे कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद न करें, इसके बजाय आम आदमी पार्टी को वोट दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया 1 और 5 दिसंबर को होने वाले 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4 से 5 सीटें मिलेंगी। बीजेपी गुजरात में पिछले 27 साल से सत्ता में है, लेकिन इस बार केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी चुनाव में बार बार दोहरा रही है कि कांग्रेस जमीन खो रही है और खुद को बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रही है। इसके लिए पार्टी गुजरात में बड़ा अभियान चला रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी 178 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अहमदाबाद में कहा कि मेरा अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 13% से नीचे गिर जाएगा और उसे 4 से 5 सीटें ही मिलेंगी। यहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। उन्होंने कांग्रेस के जमीनी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि जो अब भी कांग्रेस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, ऐसा करके अपना वोट बर्बाद न करें। अगली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे। उनके एक बयान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। गुजरात में विधायकों के टिकट काटे जाने पर उन्होंने कहा कि हर बार 30% के आसपास चेहरे बदलते हैं, कभी एक चेहरा हमेशा नहीं रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम रिकॉर्ड तोड़
होने की राजनीति नहीं करते। हम गुजरात की जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने यहाँ कानून व्यवस्था की अवैध दीवार खड़ी की है। गुजरात ने कभी किसी तीसरी पार्टी के कॉन्सेप्ट को नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और भाजपा की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, गुजरात और हिमाचल में बनने जा रही कांग्रेस पार्टी की सरकार। यहां आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। एक ऐसी पार्टी जो नए विचारों के लिए अपने खिड़की दरवाजे खुले रखती है। कोई संघर्ष करना चाहे तो वो आगे बढ़ जाएगा और कोई बीच में लड़खड़ा जाए तो उसके लिए और भी दरवाजे खुले हैं। हमारे से जो रिजेक्ट होते हैं उन्हें बीजेपी ले लेती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि हिमाचल और गुजरात चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होने वाला है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। बोले, गुजरात चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बड़ी जीत, तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम सारे चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम मजबूत सरकार देकर एक सुरक्षित, सुविकसित, सुसंस्कृत और शिक्षित गुजरात बनाना चाहते हैं, जो हम सालों से कर रहे हैं। अमित शाह ने रेवड़ी पॉलिटिक्स और बीजेपी के चुनावी वादों के बीच का फर्क बताते हुए कहा कि वोट के लिए रेवड़ी बांटना और किसी का जीवन स्तर उठाने के लिए एक बार मदद देना अलग बात है। उन्होंने कहा कि घर, बिजली, शौचालय और गैस देना रेवड़ी बांटना नहीं है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा, इस देश में गांधी को गोली मिली है, आप गाली विक्टिम कार्ड से कब तक मांगेंगे वोट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर अंदाज में पूछा कि उन्हें अपने शासनकाल में किए गए कामों के आधार पर वोट मांगने के बजाय मतदाताओं की सहानुभूति लेने के लिए विक्टिम कार्ड फेंकने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री की उस शिकायत का हवाला दिया कि उन्हें हर दिन विपक्ष की गाली झेलनी पड़ती है। कन्हैया कुमार ने कहा कि क्या इस देश में गांधी को गोली मिली है, फिर प्रधानमंत्री ऐसा विलाप क्यों कर रहे हैं। एक दिन पहले ही शनिवार को पीएम मोदी ने तेलंगाना की एक सभा में कहा था कि उन्हें रोज विपक्ष से 2 से 3 किलो गालियां मिलती हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें उस गाली को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति दी है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि ये एक बोगस प्रवचन है। मोदी लोगों के जनादेश का सम्मान करने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में सभी वार्डों में एक साथ बड़े मुद्दे उठाकर केजरीवाल पर हमला, बोलेगी भाजपा। यह आपको बता दें कि भाजपा अरविंद केजरीवाल सरकार पर चौतरफा हमला करने की तैयारी में है। पार्टी एक दिन में एक चुनावी मुद्दा एक साथ सभी वार्डों में उठाकर आम आदमी पार्टी को घेरने का प्लान बना रही है। जिस समय से ये मुद्दे उठाए जाएंगे उसी समय सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से इस मुद्दे पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी, जिससे मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसमें शराब, दिल्ली जल बोर्ड, पराली, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और हिंदुत्व के मुद्दे शामिल होंगे। पार्टी को अनुमान है कि इस रणनीति से केजरीवाल को बेनकाब किया जा सकेगा। पार्टी नेता रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है जिससे उन्हें किसी मामले में जिम्मेदार ना ठहराया जा सके, लेकिन ये उनका स्वयं को बचाने का एक प्लान है, जबकि वे अपनी ही सरकार के मंत्रियों से भ्रष्टाचार करवाकर पैसों की लूट कर रहे हैं और इन्हीं पैसों से वे दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदुड़ी ने जल बोर्ड में हुए घोटाले के लिए केजरीवाल पर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में ननंद मांग रही भाभी के खिलाफ वोट, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार में जुटी रविंद्र जडेजा की पत्नी और बहन। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एक महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस बीच जामनगर की उत्तर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। दरअसल इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी ओर रिबाबा की ननंद नैना भी जोर
शोर के साथ अपने लिए प्रचार करने में जुटी हैं। राजनीति के खेल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमले बोल रहे हैं। इससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीट पर कांग्रेस नैना को टिकट देगी। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं है, नैना अपने प्रचार प्रसार में जुट गई हैं और अपनी भाभी को टिकट देने का विरोध कर रही हैं। नैना का कहना है कि उनकी भाभी रिबाबा को टिकट देकर भाजपा ने गलती की है। रिबाबा सेलिब्रिटी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, इसलिए भाजपा की हार होगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को दे रही भरपूर प्यार, इसलिए मिलेंगे अच्छे नतीजे। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर गुजरात में आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिलने का दावा कर दिया है। केजरीवाल ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि गुजरात की जनता से उम्मीद से ज्यादा प्यार मिल रहा है, पार्टी को अच्छे नतीजे मिलेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को स्कूल अस्पताल के चलते समर्थन मिल रहा है, वहां के लोगों को दिल्ली मॉडल दिख रहा है, हमारे एजेंडे में लोगों को उम्मीद दिख रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी घोषणाओं का मजाक उड़ता था, दिल्ली में मैंने उसी बजट में सारे काम किए हैं और बजट भी घाटे में नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भी बिजली का बिल मुफ्त कर दिया है, 1 मार्च के बाद गुजरात में फ्री बिजली होगी। हमारे ऊपर जबरदस्ती कीचड़ फेंका जा रहा है, भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, किसी नेता की हिम्मत नहीं कट्टर ईमानदार कहने की। हम पर आरोप लगाए गए, लेकिन कोई सबूत नहीं है। जनता जानती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने आगे कहा कि हम देश की राजनीति को बदलने आए हैं। जो स्कूल की बात नहीं करते थे, उन्हें स्कूल में बैठा दिया। दूसरे दलों के नेता हमारी भाषा बोलने लगे हैं। मैंने नेताओं को मुद्दों पर बात करने पर मजबूर कर दिया है। मैं जनता की भाषा बोल रहा हूं, मैं शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात करता हूं और इसीलिए जनता अब हमारे साथ है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा नहीं चाहिए दिल्ली का पैसा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रचने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि राज्य के विरुद्ध एक साजिश रची जा रही है, जिसके तहत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बीच तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि जिन्होंने गलतियां की हैं, उन्हें गलतियां सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग बंगाल में बैठकर खा रहे हैं और साजिश कर रहे हैं और दिल्ली को कह रहे हैं कि बंगाल को पैसा मत दो, मुझे दिल्ली का पैसा नहीं चाहिए। बंगाल अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम है, हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हम दिल्ली को इसे नहीं छीनने देंगे। उन्होंने कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य के विरुद्ध एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति को लेकर मंत्री अखिल गिरी के बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांगी माफी, कहा टीएमसी लेगी एक्शन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता और मंत्री अखिल गिरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांग ली है। ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अपने नेता के बयान के लिए हम माफी मांगते हैं, पार्टी इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, पार्टी को इस तरीके के बयान से कोई भी मतलब नहीं है, किसी ने गलती की है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन हर दिन बयान देने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ बोलना जारी है, वो अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रपति को लेकर मंत्री अखिल गिरी के बयान पर अब ममता बनर्जी ने माफी मांग ली है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस टास्क फोर्स में 2024 चुनाव पर गहरा मंथन, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गठित कांग्रेस टास्क फोर्स की आज अहम बैठक हुई। इसमें अगले आम चुनाव की रणनीति पर गहरा मंथन हुआ। खास बात यह है कि ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत की तैयारी कर है और उसी जीत की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए की है, इसीलिए राहुल गांधी किसी भी राज्य में चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे। आपको बता दें कि ऐसी मिथ्या है कि जहां भी राहुल गांधी प्रचार करते हैं वो राज्य चुनाव हार जाता है, इसी वजह से राहुल गांधी किसी भी राज्य में प्रचार करने नहीं जा रहे। वो हिमाचल में नहीं गए, वो गुजरात भी नहीं गए। आपको बता दें कि ऐसा
ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा भी आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है और कांग्रेस पार्टी तब तक पूरा समर्थन जुटाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि गठबंधन भी हो सकता है और इसी गठबंधन के चलते इस बार बीजेपी की सरकार को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, अब असर दिखाने लगा भाजपा का पसमांदा कार्ड, गुजरात में 19% मुसलमान दे सकते हैं बीजेपी को वोट। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे में भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन अब सी वोटर के सर्वे में एक और बड़ा दावा किया गया है जो चौंकाने वाला है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक गुजरात चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी भाजपा की अच्छी पैठ है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के पाले में 47% मुसलमान वोटर जा सकते हैं, वहीं मुस्लिमों की नुमाइंदगी का भरने वाले ओवैसी को 9% वोट ही मिलने की संभावना है। यहां चौंकाने वाला तथ्य यह है कि भाजपा को 19% मुस्लिम वोट दे सकते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के पाले में 25% तक वोट पाने का अनुमान है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।